धौलपुर के बाड़े के सेपाऊ में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस की कुरीतियों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बाड़ी प्रभारी प्रशांत परमार के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। जोधपुर करौली जैसी घटनाओं को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा है। सेपाऊ SDM को सौंपा है ज्ञापन। बड़ी खबर आप देख रहे हैं बाड़ी से, जहां बिजली पानी की समस्या को लेकर लगातार आंदोलन करेगी बीजेपी। प्रशांत परमार का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदर्शन के दौरान लगे हैं कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं सड़क की बाड़ी से, जहां सेपाऊ में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन है, जहां बाड़ी प्रभारी प्रशांत परमार के नेतृत्व में सड़कों पर दिखे हैं कार्यकर्ता। जोधपुर करौली जैसी घटना को लेकर भी जमकर कोसा गया, तो वहीं बिजली पानी की समस्या को लेकर लगातार आंदोलन की चेतावनी प्रशांत परमार की ओर से दी गई है, और इस दौरान मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं बाड़ी से, आखिर क्या कहा है प्रशांत परमार ने, आपको सुनाते हैं। मुद्दे पर जो समाज के जितने भी जन विरोधी गतिविधियां हैं उनमें लिप्त है, पूरी सरकार एकदम भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। गांव में न शहर में कहीं लाइट है, न पानी की सुविधा है। इन सब समस्याओं को देखते हुए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह कसम खाई है कि जब तक ये सरकार नींद में सोई हुई है, जागेगी नहीं, तब तक हम बराबर आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग लाइट पानी बिजली की इसी की समस्याओं को लेके प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में हमने 29 तारीख को बाड़ी में दिया था, आज हमारे कार्यकर्ता मनिया मांगरोल में दे रहे हैं, और हम सभी लोग यहाँ पर मिलके दोनों मंडल सैपू और नवाब हुसैन मंडल मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं SDM को, और सरकार को बार बार चेता रहे हैं कि आप होश में आ जाएं, भ्रष्टाचार खत्म करें, और सरकार की जो जवाबदारी होती है वो जवाबदारी से काम करें, वरना हम ईंट सीट बजाएंगे, डेली आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह आए दिन हम करते रहेंगे, जब तक ये भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं करा जाएगा, हमारे धार्मिक स्थलों को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। आए दिन कुछ न कुछ, कहीं जोधपुर हो, कहीं करौली हो, आए दिन समाजों को आपस में लड़ाने का कार्य सरकार कर रही है। ये सब इसको बंद करना पड़ेगा गहलोत सरकार को, वरना हम लोग आए दिन इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।